अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम तमाम लोग हमारे औरंगाबाद के खासदार एमपी जनाब इम्तियाज़ अलीम साहब के पास आए थे, उनसे मुलाकात की। और जो अभी हालात चल रहे हैं मुल्क में, जैसा कि हमने देखा अभी कि एक मलऊन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो उस मसले को लेकर हम इम्तियाज़ अलीम साहब के पास आए थे कि साहब ये क्या चल रहा है कि कोई भी उठ रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। सर से बात हुई माशाल्लाह उन्होंने, और उनसे ही हमने दरख्वास्त की, डॉक्टर इकबाल साहब, तनवीर साहब और जितने हमारे साथी थे मौलाना अयाज साहब, हमने उनसे दरख्वास्त की कि जब भी आप पार्लियामेंट में जाएंगे, हमारी आपसे अदना से दरख्वास्त थी कि इस मसले को आप ज़रूर वहाँ पर उठाएं। और उन्होंने हमको ये भरपूर इरादा दिया और हम तमाम को उन्होंने हौसला अफजाई की, और उन्होंने कहा कि ज़रूर हम आपकी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम उनका इस बात पर शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम आवाम जो हमारी इस बात को सुन रही है उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आज ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आम किया जाए। और ये जो वबा फैली हुई है, इसमें जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करें। ये जो NGOs काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर अरबाज साहब के, तनवीर साहब के, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और जिस तरह से अपने लेवल पर आप काम हो सकता है इस वबा के दौर में करिए। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असल मुसलमान वो हैं जो एक दूसरे की मदद करें, जो एक दूसरे के बुरे वक्त में साथ दें। और आज ये ज़रूरत है कि जब दूर दूर लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, तो हम लोग एक दूसरे का काम करें। और सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने भी हमसे ये बात कही है कि आज ये जो हालात हैं, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई खिदमत कर रहे हैं तो मुसलमान कर रहे हैं। और पूरे लोग इस बात को मानने के लिए आज आमदा है कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे दुनिया में इस वबा के दौर में कोई खिदमत कर रहा है तो मुसलमान कर रहे हैं। हम आपसे, आपने अब तक बहुत अच्छी खिदमत की, और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आगे भी ऐसी खिदमत कीजिए। और उस मलून, उस शैतान को ये बात कहना चाहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरज से ज़्यादा रोशन है, अगर उस पर कोई थूकेंगा तो वह उसके मुँह पर ही थूक वापस आएगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे खुद अल्लाह तबारक व तआला पढ़ता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम नबी की सीरत को आम करें, ऐसे शैतान पैदा होते जाएंगे और ख़त्म होंगे। इनसे कोई डरने की बात नहीं है, नबी की सीरत को आम करो। रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वबा से बचने के लिए दुआएं करो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अदा फरमाए। इंशाल्लाह जो भी अगला कदम होगा हमारे नरसिम्हानंद को लेकर, इंशाल्लाह हम ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।